फ्रेंड्स, मैं सीमा पावर वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहने वाली स्टिचिंग की, और जो हमने सूट यहाँ पे रेडी किए हैं, स्टिच किए हैं, उनकी ही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके के सूट रेडी किए जाते हैं। आज हमने साड़ी में से दो अलग अलग ड्रेसे बनाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपके पास कोई प्रिंटेड साड़ी है, एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है, तो आप उससे किस तरीके से आइडिया लेके आप उससे ड्रेस रेडी कर सकते हैं। आप उसमें फुल साइज में भी कर सकते हैं और नॉर्मल साइज में भी। जो आज हमने किया है, जो 14 साल की लड़की है उसके लिए रेडी की है। ये हमारे पास कस्टमर की साड़ी आई थी, इस तरीके से आपने भी देखी होंगी, काफी साड़ियां आपके पास रखी होंगी जिसमें दबके का काम होगा, पल्लू पे बॉर्डर आ जाता है और नीचे पूरा बॉर्डर रहता है, तो इसमें भी सेम वैसे ही था। जो पल्लू था उसका हमने ये निकाल दिया फ्रंट, और पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला इसका पूरा फ्रंट नीचे से कट करके स्ट्रेट में पूरा इसका ये बॉक्सिस प्लेट के साथ हमने इसको रेडी कर दिया है। और बैक पे हमने इसके, आप देख सकते हैं, बैक पे जो पल्लू से ऊपर का फैब्रिक बचता है वो हमने इसका बैक ले लिया है, जो कि सीक्वेंस का था। पूरा पल्लू हमने इस तरीके से यूज कर दिया है फ्रंट और बैक में। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे हमने योक दिया है। योक में हमने जो नीचे से सीक्वेंस लगा होता है बॉर्डर के नीचे नीचे, उसका हमने ये वाला चीज निकाल दी है, और उसमें स्लीव्स भी निकल गई हैं आराम से इजीली बॉर्डर के साथ, फुल स्लीव्स रखी हैं। और इसके साथ हमने ये कॉलर वाला बनाया है, और नीचे पूरा हमने कुर्ता पट्टी के साथ इसको रेडी किया है, और लाइनिंग हमने इसमें फुल रखी है कॉटन की लाइनिंग के साथ। और जो इसमें हमने लाइनिंग दी है आप देख सकते हैं, क्योंकि बॉक्सिस प्लेट भी आ गई और इसको कलियों की डाल दे, ज्यादा हैवीपन लगता है यहाँ पे, तो हमने इसको अम्ब्रेला में कट कर दिया है। यहाँ से नीचे से लाइनिंग को अम्ब्रेला में कट किया है, और इस तरीके से ये रेडी हो गया। आप इसको लॉन्ग ड्रेस में भी बना सकते हैं, अगर आप का साइज ज्यादा है तो आप उसको पेपलन, आप इससे छोटा ले रहे, नीचे आप इस तरीके से ट्यूलिप धोती के साथ सलवार के साथ इसको रेडी कर सकते हैं। इसमें हमने अफगानी सलवार के साथ रेडी किया है, जो हमारे कस्टमर थे उनको अफगानी सलवार चाहिए थी, तो आप अफगानी सलवार के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। नीचे हमने सेम वही एम्ब्रॉयडरी इसमें यूज कर दी है दोनों पोंचे में, और गैदरिंग के साथ हमने इसको रेडी किया है। ऑलराउंड लास्टिक रखी गई है, और फुल इसको भी लाइनिंग के साथ हमने स्टिच किया है। लाइनिंग हमने इसके साथ आप देख सकते हैं फ्री हमने छोड़ी है अंदर की लाइनिंग, कभी भी इसके साथ लाइनिंग ज्वाइंट ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि यहाँ पे फैब्रिक इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है और ये नीचे लटक जाती है, अंदर की लाइनिंग सुकड़ जाती है, तो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। आप जब भी इसको स्टिच करेंगे हमेशा लाइनिंग को इस तरीके से फ्री रखेंगे अलग से ज्वाइंट। अभी मैं इसको एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से हम ये लाइनिंग इस तरीके से अलग रखते हैं। इसको हम जो ये आसन है, आसन के यहाँ तक इसको ज्वाइंट करेंगे, बाकी हम इसको इसी तरीके से ओपन रख देते हैं। तो आप भी कभी इसी तरीके से आपको करना है जब भी आप ज्वाइंट करेंगे। तो ये पूरी साड़ी में से हमने इसको रेडी किया है, पूरी साड़ी में से हमने ये ड्रेस बनाई है। आप भी के पास इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाली कोई साड़ी रखी है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और साड़ी में से रेडी किया गया है, अब ये भी देख सकते हैं। ये साड़ी प्रिंटेड साड़ी थी, इसमें से हमने ये कलियों वाला सेंटर वाली हमने ये कलियां ऊपर से दी हैं, और तीन कलियां फ्रंट में दी हैं, तीन बैक में दी हैं हमने इसमें भी, और कॉटन की लाइनिंग के साथ इसको रेडी किया है। यहां से हमने ओपन रखी है, जब भी आप ये लाइनिंग ज्वाइंट करते हैं आप देख सकते हैं ये चाक से हमने एक मैक्सिमम 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ हमने इसको फ्री रख दिया है, फिर नीचे की फ्री हो गई है। कई बार आपने देखा होगा ए लाइन उसमें ज्वाइंट कर देते हैं, फिर इस तरीके से कपड़ा सुकड़ जाता है, अच्छे से नहीं बैठ पाता है, तो आप इसी तरीके से ए लाइन का बनाते हैं, इसी तरीके से करना है। नीचे का घेरा भी हमने इस तरीके से अच्छा खासा दिया है, और इस तरीके से अलग अलग हो गया है, सिलाई के साथ इसको रेडी किया गया है। और वी नेक हमने इसमें बनाया है, और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट वाली, जो आजकल पाकिस्तानी वाली स्ट्रेट वाली फुल स्लीव चली हुई है उसकी, ये हमने उसके साथ रेडी किया है। और अलग से फैब्रिक सेंटून का लेके हमने इसको रेडी किया है, इसको भी फुल लाइनिंग का बनाया है, अलग से फैब्रिक लेके डाई किया है इसको, रस्ट कलर इसके साथ हमने इसमें दिया है, फुल लाइनिंग के साथ हमने इसको रेडी किया है। और ये दुपट्टा भी हमने अलग से लिया है सिफोन का, और इसको भी डाई करके हमने इसके साथ दिया है,
और ये वाली जो इसका फैब्रिक बचा था साइड में, हमने इसको साइड में इस तरीके से अटैच कर दिया है। साड़ी में से आप इस तरीके से आइडिया लेके बना सकते हैं। ये सूट कस्टमर का अपना ही था, इसको हमने ओनली स्टिच किया है। इसको हमने सेंटून की लाइनिंग के साथ रेडी किया है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, बताया भी हमने वीडियो में, ये काफी ट्रांजी है, काफी दिखता है, ऑर्गेंजा का फैब्रिक है, लाइट कलर है, तो हमने इसमें सेंटून की लाइनिंग डाई करके इसको रेडी किया है। और इसमें ये हैंगिंग वाली लेस पल्स वाली इसमें ऐड कर दी है। राउंड नेक रखा है और ये स्लीव्स आगे, इसकी 3/4 हमने स्लीव्स रखी हैं। बॉर्डर आगे लगा दिया गया है, जो कि यहाँ से हमारा नीचे से बॉर्डर बचा था, तो हमने ये वाला इसमें ऐड कर दिया है। बाकी स्लीव्स में इसकी बिल्कुल प्लेन थी। और इसके साथ हमने ये पैंट रेडी की है, ऑल राउंड इलास्टिक रखी गई है और पैंट इसके साथ रेडी की गई है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और सूट बिल्कुल सिंपल सोबर रखा गया है, ये सूट हमारे यहीं का है और इसमें जो हमने लाइनिंग पाइपिंग दी है पीच कलर की पाइपिंग के साथ रेडी किया गया है। इसमें हमारे पास और कलर अवेलेबल है, जो कि इसमें आ जाएगा नेवी ब्लू और मरून कलर। और अगर आपको वो भी देखना है आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। इसके साथ कॉटन की लाइनिंग दी है, घूम करके पाइपिंग लगा दी है, वी नेक रखा है और 3/4 हमने इसमें स्लीव विद घूम पाइपिंग के साथ इसको रेडी किया है। और इसके साथ ये सलवार रेडी की है, जो कि सलवार में हमने सेम पाइपिंग इसी की ऊपर और नीचे इस तरीके से लगा दी है। और सलवार आप जब भी बनाते हैं, एक चीज में आपको मैं बता देती हूँ, सलवार हमारी मोस्टली आपने देखा होगा सलवार घूम जाती है, तो सलवार ना घूमे उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, जो ये फ्रंट वाली होती है ना, ये 7 इंच की 8 इंच की हम जो भी अपना ये बीच का ये वाला पार्ट रखते हैं, साइड में हम कलियां रखते हैं, जो हमारा जो ये बीच का सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसका भी सेंटर लेके हम एक सेंटर यहाँ पे लेते हैं, सेंटर को सेंटर से मिलाते हैं, एक सेंटर हमारे यहाँ ऊपर की तरफ भी होता है ना इसके बीच में, तो वो वाला उसको हमें क्या करना है, जहाँ पे जितनी हम इसका भी हमें सेंटर लेना होता है, जैसे हम ये अपनी डाल रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये 9 इंच पे डालते हैं, तो 4.5 इंच पे हमारी ये 20 सेंटर वाली आ जाएगी, जो ये प्लेट है ये वाली, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। और हमेशा एक चीज और याद रखना, हमेशा जब भी हम प्लेट डालते हैं तो ये वाली जो हमारी ऊपर रहती है ना, अब ये वाली आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर बना हुआ है, इस प्लेट को हमेशा ऊपर ही रखना है, जैसे हमने ये ऊपर रखी है, इसको कभी भी अंदर नहीं करेंगे, अंदर कर देते हैं तो क्या होता है, वो अंदर चली जाती है, इस तरीके से अब ये आपकी घूमेगी ही घूमेगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप सलवार स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, सबको पसंद आई है और ये आइडिया पसंद आए हैं मोस्टली जो हमने सलवार का बताया है, कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।